कानपुर के सिसोमऊ में जो चुनाव अपने पूरे दौर पर है और इसी बीच एक मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी कुछ दिनों पहले फजलगंज थाने में जाके धरना दे देते हैं। वो अपने समर्थक के साथ गए थे और वहाँ पर उसी के किसी मामले में वो वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने धरना दिया, बाकी कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी के आ गए और अब उस पूरे मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। तो सबसे पहले इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। देखिए, प्रकरण थाना फजलगंज का है, तारीख 8 तारीख का प्रकरण है, जिसमें अपने एक समर्थक को छुड़ाने के लिए हरिनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी जी अपने समर्थकों के साथ थाने पर बैठ गए थे और जिससे सरकारी कार्य में बाधा भी उत्पन्न हुई और आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ, जिसमें 100 से अधिक उनके समर्थक उसमें बैठ गए थे, जिसमें पुलिस के थाना फजलगंज में आचार संहिता उल्लंघन का और सिविल कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं विधायक अमिताभ वाजपेयी। अमिताभ जी, आप अपने समर्थक के एक मामले में गए थे फजलगंज थाने, वहाँ पर आप कार्यकर्ता भी आए, अब आप ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ये भाजपा की सरकार में ये पहला नहीं है, ये पांचवा है और जब जब आवाज़ तेज होती है तो ये डर जाते हैं और जब डर जाते हैं तो मुकदमा लिखाते हैं। इस सरकार का लोकतंत्र में, संविधान में आस्था नहीं, हम लोग पहले भी कह चुके हैं, ये अघोषित इमरजेंसी है। गांधीवादी तरीके से जमीन पे बैठ के धरना दे के अपनी आवाज़ बुलंद करने के बाद अगर मुकदमा लग रहा है, इसका मतलब देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। वहाँ पर जब आप बैठे थे तो आपने रघुपति राघव राजा राम वाला भजन भी गाया था, तो वो कहीं यही इसी वजह से था कि आपको अपना गांधीवादी तरीका दिखाना था? सच है, आंदोलन में हम लोग गांधीवादी तरीका ही अपनाते हैं, अपनी बात को स्ट्रांगली रखना चाहिए, ये हमेशा कहा गया है, लेकिन हिंसा नहीं लेनी चाहिए, करनी चाहिए। तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जमीन पर 4.5 घंटा बैठ के अपनी बात रखी, फिर भी तो उन्होंने जेल भेजा उस बेचारे गरीब को, जिस मासूम को उन्होंने जेल भेजा ना, कानूनी तरीके से छूटा, वो कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, पर हमने अपनी बात को रखा और 6 दिन के बाद आखिर डैमेज कंट्रोल के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं को डराने के लिए कोई 127 लोग ना जाने किसको, सबके घर छापेमारी करेंगे, सबको परेशान करेंगे, सबको डराएंगे, इसलिए उन्होंने मुकदमा कायम किया। ये मुकदमे ये बताते हैं कि सरकार हम समाजवादियों से डर गई है। आप गए थे कार्यकर्ता के जेल मतलब पुलिस द्वारा पकड़े जाने की वजह से और अब आपके खिलाफ खुद ही मुकदमा दर्ज हो गया है, तो अब आप क्या करने वाले हैं? ये पहले भी हुआ है, लेकिन कोई ना कोई तरीका ऐसा निकालेंगे कि शासन सत्ता को समझ में आ जाएगा कि उन्होंने गलत किया है। हम चूंकि आज का दिन हम लोगों ने प्रेक्षक से जाकर के अपनी बात रखी है, हम लोग अभी चुनाव प्रेक्षक से मिले थे, हम लोगों ने जो क्षेत्र में छापेमारी हो रही है केसको की, पुलिस की, फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, KDA की छापेमारी है, औषधि विभाग की है, खाद्य विभाग की है और इन सारी छापेमारियों में पुलिस का इस्तेमाल है और साथ में BSF का इस्तेमाल हो रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जो मुकदमा कायम हुआ उस पर हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, सारी बात प्रेक्षक महोदय को बताई है और उनसे अनुरोध किया है कि इस तरह की छापेमारी को रोकें, यदि कोई काम गलत भी है और सालों से गलत हो रहा है तो 5 दिन और सही, छापेमारी 20 तारीख के बाद हो जहाँ होनी हो और उसके साथ पुलिस की आवश्यकता कहाँ है, और पुलिस के साथ BSF जो कि सेंट्रल फोर्स है उसकी आवश्यकता नहीं। इस गतिविधियों को प्रेक्षक महोदय से अनुरोध किया, रोकें, जो मुकदमा हम लोगों पर कायम हुआ उसकी समीक्षा कर लें, यदि हमको कोई उचित जवाब नहीं मिलता तो हम लोग इस पर भी कुछ ना कुछ आंदोलन करेंगे और आपको उसकी रूपरेखा से अवगत कराएंगे। प्रेक्षक ने क्या कहा? अभी तो उन्होंने हमको कहा है कि हम लोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आखिरी दिन की भी सूचना है कि बैरिकेडिंग लगाएंगे 55 जगह जगह, एक एक वोटर की 5-5 जगह पुलिस ID चेक करेगी, जबकि पुलिस को ID चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोग अपने अनुरोध किए हैं, प्रेक्षक महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रयास करेंगे, तो हम लोग उन पर विश्वास करते हैं, हम लोग देखेंगे कि इस तरह की कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही, अगर कोई लाभ नहीं मिलेगा वहाँ से, कोई उचित जवाब नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन की रूपरेखा भी आपको बताएंगे। तो आप थे अमिताभ वाजपेयी, जिनका ये कहना है कि वो प्रेक्षक से भी इस पूरे मामले में मिले हैं और यहाँ पर जो दूसरे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के हसन रूमी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उस समय जब आंदोलन हुआ था फजलगंज थाने में तो हसन रूमी भी मौजूद थे। हसन जी, आप भी वहाँ पर थे उस समय, अब अमिताभ वाजपेयी और समेत सभी के खिलाफ जो वहाँ पर थे उनके मुकदमा हो गया है, इसको आप किस तरह से देखें? देखिए, हम लोग जब इकट्ठा हुए थे तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जो अपनी पक्ष रखना होता उस पक्ष को रखने के इरादे से गए थे और वहाँ पर जिस व्यक्ति को ले जाके बिठाला उसका दोष कुछ नहीं था, हमें मालूम हुआ कि निर्दोष उसको थाने में बिठाला गया है। जब उसको बुला के बिठाला गया तो उसके बाद हम सब लोगों का ये फ़र्ज बनता है, हम लोग सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं और समाज में अगर कोई
अन्याय कर रहा है किसी के ऊपर, तो हम लोग मध्यस्थता करेंगे और हम लोग संवैधानिक तरीके से उस बात को, उस पक्ष को अपनी मजबूती से रखेंगे। और उस पक्ष को रखने के लिए गए थे और वहाँ पे आज पता चला कि कुछ मुकदमा हो गया। ठीक है, सरकारें आती हैं जाती हैं और मुकदमे भी होते हैं और बंद भी होते हैं। अब ये उनके उनके हाथ में कलम भी है, उनके हाथ में दवाइत भी है, उनके हाथ में कागज़ भी है, जो चाहे लिख लें। ये वन वे ट्रैफिक है ये, और ये वन वे ट्रैफिक जब तक चलेगा तो तब तक अन्याय भी होता रहेगा और अघोषित इमरजेंसी भी लगी रहेगी। ये वन वे ट्रैफिक अभी चल रहा है और जब देखिए कब तक चलता है। अघोषित इमरजेंसी जो है, जब इस पर बहुत ज़्यादा जनता, जब उत्पीड़न हो ही रहा है, उत्पीड़न के बाद अब फिर उसके बाद एक तरफा फिर लोकतंत्र बहाल होता है, संविधान बहाल होता है और लोग राहत की सांस लेते हैं। हम लोग ने हर दौर देखा है। तो आप थे हसन नूमी, जिनका ये कहना है कि ये लोकतंत्र है और एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है। यहाँ पर हमारे साथ मऊजूद हैं जो सीसा मऊ की सह प्रभारी हैं गजाला लारी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी इस पूरे मामले पे बात कर लेते हैं। गजाला जी, आप सह प्रभारी हैं सीसा मऊ की, और जिस तरीके से आप भी वहाँ पर मौजूद थी जब फजलगंज थाने में ये पूरा मामला हुआ था, तो वहाँ पर अब मुकदमा लिख गया है अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ और अन्य के खिलाफ, तो क्या इसका आप विरोध करने वाले हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें जब अन्याय हुआ तो अन्याय के खिलाफ सारे लोग जाकर के वहाँ पर बैठे और उन लोगों से कहा कि भाई जो गुप्ता जी हैं जिनको आपने उस तरीके से गिरफ्तार किया है तो ये सही नहीं है, उनको छोड़ा जाए। बस इसी के खिलाफ तो जाके सब लोग वहाँ बैठे थे। इसमें FIR का क्या मतलब है मैं नहीं समझ पा रही। कोई ऐसी बात नहीं की गई, बैठ के वहाँ पे सब लोग रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये भी सब हो रहा था, कोई ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। तो FIR का मतलब हमको समझ में आया, हम लोग के जो नेता लोग हैं क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं ये हमने अभी सुना नहीं इन लोग की बातों को। तो आप थे गजाला लारी, जिनका ये कहना है कि वहाँ पर जाके सिर्फ एक भजन हम लोग गा रहे थे और पूरी गादीवारी तरीके से कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले में FIR की गई है। अब देखना ये होगा कि ये मामला कहाँ तक जाता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सीसा मऊ का चुनाव अपनी पूरी गर्मी पर है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।